अभी भी कई शरीर अंदर होंगे, ऐसा अनुमान करके खुदाई का काम चला है। हम दिवंगत आत्माओं के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं, प्रभु उनको अपने शरण में वास प्रदान करें। वो परिवार जिनके घरों के चिराग बुझे हैं, भगवान उनको शक्ति प्रदान करें। एक एक परिवार के दो दो तीन तीन सदस्य यहाँ पर जमीन दोज हो गए, बहुत दुखदायी घटना है। और ऐसी घटनाएं हिमाचल प्रदेश में पिछले 72 घंटे में अनेक स्थानों के ऊपर हुई है। इतना ही कह सकते हैं कि इससे बड़ा कष्ट किसी के लिए कोई नहीं हो सकता कि वो भगवान के मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए जाए और उसके परिवारजन और उसकी डेड बॉडी को ढूंढने के लिए लगे। बहुत कष्ट, केंद्र की मोदी सरकार लगातार देवफस से हिमाचल सरकार प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम कर रही है। और लगातार मुख्यमंत्री जी से बात करते हुए प्रधानमंत्री जी, होम मिनिस्टर, सहयोग राशि और तरह तरह की जो भी आवश्यकताएं हैं, NDRF, SDRF, डिफेंस फोर्सेस, सबको भेजने के काम में लगी हैं। और जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसके जो नुकसान हैं उनके 100% भरपाई करने का जुम्मा केंद्र सरकार ने अपने सिर पर लिया है। BRO का जो नुकसान हुआ है उसके 100% भरपाई केंद्र सरकार कर रही है। रेलवे का जो नुकसान हुआ है उसकी 100% भरपाई केंद्र सरकार कर रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने स्वयं आकर के सारा मामला देखा, उसके बाद भी सहायता राशियां भेजी हैं। और BJP पूरी तरह से, हर तरह से प्रदेश सरकार के साथ खड़ी है। और जो राष्ट्रीय आपदा के नियम हैं उनके अंतर्गत ये कार्य होगा। नियम की दृष्टि से सर्वे की टीमें अपना काम कर रही हैं और उसका जो परिणाम आएगा।